और बिहार में सीतामढ़ी जिला है और सीतामढ़ी जिला के अंदर एक ऐसा लड़का जो लगातार समाज की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था, लगातार कहीं न कहीं बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के खड़ा रहता था। आज आपको बात करें, ये लड़के जो हमारे साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं, ये है विनोद कुमार शुक्ला। आप अक्सर द मार्केट न्यूज़ पर इनको लगातार चिल्लाते हुए देखे होंगे कि हमेशा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, कहीं ना कहीं गलतियां होती थी उनके विरोध में आवाज़ उठाते थे। इतना तक कि मैंने देखा है किसी भी वैसे सरकारी कर्मचारी को नहीं बख्शा है जिन्होंने देश के युवाओं को, अगर लगातार बात करें, किसी न किसी की आवाज़ उठाते थे। आज क्या जरूरत पड़ी कि आज जो चुनाव लड़ने चले हैं, क्या नाम है आपका? सबसे पहले सत्य एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सारे जनता को और द मार्केट न्यूज देखने वाले सारे जनताओं को, यहाँ पे जितने उपस्थित मेरे भाइयों, प्यारे भाई बहनों हैं, उनको प्यारे शब्द से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जिस दिन से ही मैंने सोचा है कि समाज की सेवा करना है, मैंने उस दिन से ही व्यक्तियों की, पर जितने भी दबे कुचले व्यक्ति है और जितने भी मिडिल क्लास या अमीर है, सारे लोगों को एक साथ लेकर अपने गांव को आगे बढ़ाने में, और सारे युवाओं को भी कहता हूं कि हमारे साथ दे और साथ मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर अपने गांव की प्रत्येक छोटी मोटी जितने भी समस्याएं हैं, बड़े बड़े समस्याएं हैं, उससे निदान करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दूं कि जिस दिन से ही मैंने सोचा है कि समाज सेवा कार्य करना है, उसी दिन से मैंने ये प्रण लिया है कि मैंने नाम के लिए नहीं, समाज सेवा काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अब वैसे पहले भी मैं समाज सेवा कार्य करता था पत्रकारिता के लाइन में। जी, पत्रकारिता अलग चीज होती है, पत्रकारिता के साथ साथ अगर समाज की बात करें तो हर उन मुद्दों को उठाने का काम किया है जिस तरह से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार दिखाई देता था। विनोद जी, एक बात, सवाल सबसे बड़ा कड़ा सवाल है कि आप चुनाव में आए, और चुनाव में किस लिए आए? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आए हैं या सिर्फ समाज सेवा करने के लिए आए, बताइए सर। मैंने, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी लगातार यूट्यूब पे काम करते हैं, फिर समाज सेवा के नाम पर सब लोगों का कहीं ना कहीं पेट पालने के नाम पर चले जाते हैं। मैंने सर, जिस दिन से हमारे सारे जनता से आप पूछ सकते हैं, जिस दिन से ही मैंने सोचा है, जिस दिन से मैंने अपहरण किया है कि मुझे समाज के प्रति सेवा करना है और टाइम इन्वेस्ट करना है, उसी दिन से मैंने सोचा है कि पूरा जीवन मैं समाज के लिए अर्पित कर दूंगा। तो क्या आप, और जिस दिन से मैंने सोचा है उसी दिन से मैं बहुत सारे कार्य भी किया है, जैसे बहुत सारे मेरे भाइयों एवं बहनों हैं, खासकर महिलाओं हैं, वो छोटी छोटी समस्याओं के लेकर बहुत दूर दूर तक भटकते हैं, जैसे राशन कार्ड हो में नाम जुड़वाना हो, राशन कार्ड में नाम कटवाना हो, या नया अप्लाई करवाना हो, जातीय आवासीय बनाना हो, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बहुत ऐसे समस्याएं मेरे गांव में था, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समस्याओं भी था।